सहारनपुर के गागल हेड़ी में सियाराम इंटर कॉलेज में कमिश्नर लोकेश एम ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के लिए प्रेरित भी किया। आपको बता दें कि टीकाकरण कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने कहा कि 15 साल से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेशन जरूर कराएं, और कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय जैन ने बताया कि अब तक 781 विद्यार्थियों में से 350 का वैक्सीनेशन कराया गया है, और अपने आसपास के बच्चों को भी COVID-19 टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। सिद्धार्थनगर जिले के कपिल वस्तु विधानसभा में एक पुल बनवाने के लिए शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास सदर विधायक श्याम धनी राही द्वारा विधिवत पूजा पाठ के साथ किया गया। जोगिया ब्लॉक के तनेजवा में शिलान्यास के दौरान आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये पुल इस नजरिए से भी जरूरी है क्योंकि तनेजवा में पुल बनने से 30 गाँवों को फायदा पहुंचेगा, साथ ही बाढ़ के दिनों में ग्रामीणों को पानी के रास्ते से आना जाना नहीं पड़ेगा। वही मौके मौजूद ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए ये कहा कि इस पुल के बनने से हमारा पुनः जन्म हो जाएगा क्योंकि बाढ़ के दिनों में हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शिलान्यास करने के लिए पहुंचे सदर विधायक श्याम धनी राही ने बाद में कहा कि प्रदेश सरकार को मैं स्वयं आवेदन दिया और उनकी स्वीकृति हुई, और 4 तारीख को डिप्टी CM और लोक निर्माण मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया। साथ ही बाढ़ के सीजन में यहां नाला बनाया जाएगा और ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, वहां के ग्रामीणों को परेशानी ना हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और जल्द ही यहां पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मैं स्वयं आवेदन दिया, और आवेदन के बाद पुल की स्वीकृति हुई, और स्वीकृति के बाद 4 तारीख को लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और डिप्टी आदरणीय चंद्रिका प्रसाद राय के कर कमलों द्वारा पुल और सड़कों का शिलान्यास लखनऊ से हुआ। बहुत फायदा हो जाएगा, पुल बन जाएगा तो हम लोग बाढ़ में निकल नहीं पाते हैं, मैदान करने के लिए जगह नहीं मिलता है। अब बन जाएगा तो समझ लीजिए हम लोगों का दूसरा जन्म हो गया है। इतनी परेशानी पूरी बाढ़ में कहीं जाने को नहीं मिला, किसी को तबीयत खराब हो जाए तो ना समय से नहीं आ पाती है, हम लोग बहुत परेशान है। बन जाएगा तो हम लोगों का समझ लो जन्म हो गया दूसरा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद बड़े अधिकारी द्वारा उन पर कार्रवाई न किए जाने के संबंध में लाइव कार्यालय पहुंचकर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। और ऐसे में पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वाले ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो विकास भवन के कार्यालय में आत्मघात करेंगे। उन्होंने कहा कि लगातार हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन दे दिया गया है, उसके बावजूद भी अधिकारी और ठेकेदार पर विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम कई बार CDO साहब को DM साहब को ज्ञापन दे चुके हैं क्योंकि पंचायती राज विभाग में सचिवों की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी चलने का काम हो रहा है। AK सिंह सचिव जो ब्लॉक कुंवारका से है, 5-6 गांव में कार्यरत है, वहाँ पे ठेकेदार के द्वारा कार्य कराया गया लेकिन पेमेंट देने का काम नहीं हुआ। खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी करने का काम होता है, प्रधान को समझने का काम नहीं करता, लेकिन अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कतई काम नहीं करते। दूसरा, पूरे देश में आंगनवाड़ी केंद्र हैं, पूरे देश में पोषाहार, पुष्ट पोषाहार बच्चों के लिए, माताओं के लिए दिया जाता है, लेकिन चिलकाना कस्बे में जो सहारनपुर में है पुष्ट आहार पोषाहार नहीं दिया जाता है।
जालौन में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आक्रोशित टीटी और सीटीटी अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं। भर्ती नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए। साथ ही आपको बता दें, सरकार को भी चेतावनी दी। दरअसल सैकड़ों की संख्या में टीटी और सीटीटी पास अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए ये धरना प्रदर्शन किया। वही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भी सौंपा। उरई के जिलाधिकारी कार्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ कोविड 19 का संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोविड 19 के मामलों की संख्या 4,228 हो चुकी है, जिससे अब तक उत्तर प्रदेश में टोटल केस 12,327 हो गए हैं। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 577 मामले सामने आए हैं। वहीं लखनऊ के अलीगंज में सबसे ज्यादा 118 नए मरीज मिले। वहीं चिनहट में 80 मरीज मिले तो सरोजनी नगर में 70 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गोसाईगंज इलाके में भी 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में काकोरी में 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मोहनलालगंज मलिहाबाद में 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदिरा नगर में 51 लोग संक्रमित मिले और सिल्वर जुबली के आसपास लोगों में 41 लोगों में ये कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव को स्थगित करने की अखंड भारत विकास पार्टी ने मांग की है। आपको बता दें कि अखंड भारत विकास पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतार सिंह मिगलानी के नेतृत्व में एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतार सिंह मिगलानी, शमीम साजिद अली, रोकेश गोयल, मोहम्मद समी, बिलाल नफीस भी मौजूद रहे। हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति महोदय, देश की लोकतांत्रिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे कि लोग कोरोना काल को देखते हुए जो स्थितियां 2020 में हुई हैं, जो स्थितियां सन 2021 में हुई हैं, हमारे देश के सैकड़ों परिवारों के व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उसको देखते हुए हमें चुनाव स्थगित कराना पड़ेगा और भारत के लोकतांत्रिक संस्था निर्वाचन आयोग से मांग करनी है, राष्ट्रपति महोदय से मांग करनी है। हम पूछना चाहते हैं आपसे, अगर देश में चुनाव होता है, देश की स्थिति भयावह होती है, देश के नागरिकों की मृत्यु होती है, उसका जिम्मेदार भारत निर्वाचन आयोग होगा। जिलाधिकारी बस्ती सौम्य अग्रवाल एक्शन में नजर आ रही हैं। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर कोविड 19 टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग टीम को सख्त निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि कैंप लगाकर जगह जगह और अभियान चलाकर जनता का टीकाकरण किया जाए, जिससे जिले में 100% 20 जनवरी तक टीकाकरण का काम पूरा किया जाए। जिलाधिकारी बस्ती ने बताया कि बस्ती जिले के नगर पालिका क्षेत्र में 38 कोटे की दुकान है और कोटों की दुकानों पर टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सभी को टीका लग सके। हम लोग जो है संडे को जनपद में वैक्सीनेशन का मेगा अभियान चला रहे हैं, जिसमें शहर क्षेत्र में प्रत्येक कोटे की दुकान पे कैंप लगेगा। हमारा स्टेडियम पे मेगा कैंप लगेगा, जहाँ पे कोई भी जिसने अपना टीकाकरण नहीं कराया वो आके करा सकता है। साथ के साथ हम लोगों के पूरे ग्रामीण इलाके में प्रत्येक ईंट के भट्टे पर उस दिन कैंप, जिससे कि पब्लिक को जागरूक करना और सुनिश्चित करना कि जो भी छूटा है वो आके अपना टीकाकरण कराए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और किसी दुकान से आपको 100 से लेकर 2000 तक का नोट दिया गया है तो सावधान हो जाइए, वो नोट नकली भी हो सकता है। जी हां, गाजियाबाद पुलिस ने 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट छापते थे और इनके काम करने का तरीका बिल्कुल कॉर्पोरेट को भी मात दे दे। टीवी स्क्रीन पर जो आप तो वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में प्रेस एजेंसी को भी फेल कर दे
ये इंडियन करेंसी छापी जाती है। महज कुछ मिनट और देखने पर ये पता चलता है कि किस तरीके से 200 से लेकर 2000 तक के नोट छापकर तैयार किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें, प्रिंटर से छपे नोट को देखकर धोखा भी कोई भी खा सकता है। बिल्कुल असली से दिखने वाले नोट नजर आते हैं, लेकिन ये सभी नोट जाली हैं। पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक इन सभी आरोपियों को पकड़ने के बाद, आपको बता दें कि पिछले 8 महीने से ये काम करते हैं और अब तक 17 लाख के जाली नोट ये छाप चुके हैं। इसमें हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो जाली भारतीय नोट जो है उनको बनाने का काम कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पे इनको मौके पर जाके दबिश दी गई, तो वहां से 3 लोग बरामद हुए। उनकी जो निशानदेही पे हमें जो एक यूनुस जो मूल व्यक्ति से घर पे सारा काम हो रहा था वहाँ पे जाके दबिश दी गई, तो वहाँ पे मौके पर बाकी लोग मिले और जो भी सामान और मशीनें इसमें इस्तेमाल करते वो सारी चीज़ें मिली। मामला पूरा यूँ था कि इसमें मूल व्यक्ति जो है आज़ाद, जो कि इसका मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, उसके दिमाग का मूल उपस्थिति कि हम नकली नोट इस तरीके से बना कर प्रिंट करके मार्केट में चला सकते हैं। उसने अपने बाकी 2 साथियों यूनुस और सोनू इनके साथ मिलकर ये काम शुरू किया। घर पर ही एक प्रिंटर के माध्यम एक तरीके से जाली नोट बनाने का काम शुरू किया। रायबरेली में धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि गुरु नानक नगर से रेलवे स्टेशन तक होते हुए सुपरमार्केट तक शोभा यात्रा भी निकाली गई और इस यात्रा में बारिश होने के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयंती के मौके पर यह शोभा यात्रा निकाली गई है। गोविंद सिंह की जयंती का पर्व था जिस पर यह शोभा यात्रा निकाली गई और बारिश भी होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। उत्तराखंड जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर कोषागार में 2.5 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य कोषागार अधिकारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कोषाधिकारी और लेखाकार सहित 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने मरने वाले पेंशनर्स के डेटा में छेड़छाड़ कर ई कोष पोर्टल पर मृतक पेंशनर को जीवित दिखा दिया है और उनके खाते में अपने और अपने परिचितों के खाते का नंबर जोड़ा हुआ है। आरोपी परिचितों के खाते में आने वाले रकम के बदले उनको कमीशन देते हैं। ऐसे में सरकारी रुपयों के गबन का ये खेल कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से आरोपी इसी तरह से खेल खेल रहे हैं। ये कोषागार नरेंद्र नगर में कल वरिष्ठ कोषाधिकारी टीरी गढ़वाल द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया 409 IPC का, जिसमें 2 करोड़ 48 लाख के गबन का आरोप लगा है और जिसमें कोषागार के कुछ कर्मचारी हैं और कुछ उनके परिचित हैं जिनके खातों में ये गबन की राशि गई है। तो इसमें 5 लोग जो हैं आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो उनको परीक्षा के लिए कोर्ट में अभी पेश करा जा रहा है उनको। संभल में पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और पंजाब सरकार का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। पंजाब सरकार के साथ ही बर्खास्तगी की मांग उठाई और बीजेपी नेता कपिल सिंघल के नेतृत्व में यह पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक को लेकर इसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के का कॉलेज चौराहे पर यह पुतला फूंका गया। ये पंजाब सरकार कांग्रेस सरकार का हमने पुतला फूंका है। वहां के मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक करी गई है, हमारे प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी चूक की है, उनकी हम सरकार की बर्खास्तगी की हम मांग करते हैं। गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन शासन की मंशा पर पानी फेरने से जिम्मेदार बास नहीं आ रहे। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जनपद के खेसराहा ब्लॉक का है, जहां सरकारी दुकान के दुकानदार पर कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा कर खाद्यान्न न देने का आरोप लगाया गया है। खेसराहा ब्लॉक के
मिश्रौलिया में दर्जनों कार्ड धारक ट्रॉली और मोटरसाइकिल से बांसी तहसील पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कार्ड धारकों ने बताया कि हमारे गांव के कोटेदार महीने में दो बार राशन देते हैं, लेकिन एक ही बार देते हैं, उसमें भी खाद्यान्न काट कर ही दिया जाता है। आज ग्राम पंचायत बड़ारा के लगभग 60 लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कोटेदार के द्वारा अंगूठा लगा लिया गया है और राशन नहीं देने की शिकायती पत्र प्राप्त हुई है। इसकी तत्काल से कल ही जांच करवाकर इसकी जांच करवाई जाएगी और अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। कोटेदारों के विरुद्ध FIR की जा चुकी है, जहाँ पर इस प्रकार का मामला संज्ञान में आया था और जांच करने पर सही पाया गया था। दोनों जगह प्राथमिकी दर्ज की गई है थाने में। राशन आने गए साहब, बोलन के राशन दो, तो कहा था इनके काबिल अंगूठा लगाओ, हम कहें अगले बार अंगूठा लगाए ना, अगले बार के राशन दो, दोनों दहियाँ दियो, तो हम अंगूठा लगाई, सोचे कहा थे लिए खोलियो ना, तो यहाँ से भाग जा। अभी आप लोग बता रहे थे कुछ गाली गलौज का भी मामला आ रहा था। हाँ, उनके पतु लोग गाली देते रहे, गल्ला ना मिला तो एक अंगूठा लगा ली नहीं, और फिर ने दोबारा आज अंगूठा लगाए नहीं, अगला वाला ना दी नहीं, अब की वाला कहा नहीं। प्रतिभाओं की जननी सारनपुर की जमीन से एक और नन्हे सितारे पवन रॉय ने कुछ दिन पहले मुंबई में धमाल मचाया था। NTV के रियलिटी शो लव मी इंडिया में नॉर्थ जोन से टॉप 12 में पवन ने स्थान बनाया था। गीत नीले नीले अंबर पर और गुलाबी आंखें जो तेरी देखी पे उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी थी। साथ ही आपको बता दें, दोनों गानों के सहित 4 दर्जन गीतों को वो मस्त अंदाज में गाते हुए नजर आए और NTV के मुंबई में हुए कार्यक्रम में पवन अपनी प्रतिभा का धमाल मचा चुके हैं। लखनऊ में भी नवराज हंस के गीत की लॉन्चिंग में भी उसने शानदार प्रस्तुति से अतिथियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। ऐसे में रियलिटी शो लव मी इंडिया के टॉप 20 में शामिल रहे पवन ने ऑनलाइन वोटिंग के बाद भी टॉप 12 में स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की। मेरे स्कूल में कंपटीशन था मदर्स डे का, तो मैंने उससे पहले कभी गाना नहीं गाया था, तो पापा ने ऐसे ही मुझे मदर्स डे का तू कितनी अच्छी है सॉन्ग करा दिया था, है ना। तो वो पापा मुझे प्रैक्टिस कराने बैठे थे है ना शाम को, तो फिर वो मैंने बहुत बढ़िया गाया था, इसलिए पापा ने सोचा कि ये बड़े होकर सिंगर बन सकता है, इसलिए पापा ने मुझे प्रैक्टिस कराना चालू करा और मैं सिंगर गाना गाने लग गया। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये मेहनत कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, आगे जाके इसका नाम हो और ये मतलब अपने पापा का, मम्मी का और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। अच्छा, तो क्या इसने कभी कॉम्पिटिशन भी ली? जी, इन्हें लव मी इंडिया शो में टॉप 10 पे रहा है ये। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था, सारनपुर से भी वोटिंग हुई थी इसकी, तो ये टॉप 10 में आया था। तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी होती है जब ये गाता है, तो